नीरज का बयान जो है कई घंटों से चला, और ऐसे में नीरज से कौन से अहम सवाल सीबीआई ने पूछे, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो को आपको बताऊंगी। दरअसल खबर आ रही है कि नीरज सबसे अहम था, वो उस दिन घर में मौजूद था और उससे जो है कई अहम सवाल पूछे गए, जिसमें सबसे पहला सवाल था कौन कौन लोग सुशांत की मौत के वक्त कमरे में मौजूद थे, सुशांत बाकी लोगों के साथ कितना समय बिताते थे, सुशांत का व्यवहार कैसा था खासकर 13 जून को, क्या सुशांत उस दिन सामान्य तरीके से खाना खाया था, सुशांत सिंह कितने बजे सोने गए थे, सुशांत की बॉडी सबसे पहले किसने देखी, क्या किसी ने सुशांत की बॉडी को उतारने के लिए बोला था, अगर हाँ तो वो कौन था, पीसीआर को कब कॉल किया गया और वो कॉल किसने किया था, यानी कि पुलिस को किसने कॉल किया और कितने बजे किया गया था। मैंने आपको बताया कि चाबी वाले को जो है वो 1:05 पर कॉल किया गया था। वहीं नीरज से पूछताछ की वजह ये भी है क्योंकि वो उन लोगों में से है जिन्होंने सुशांत की बॉडी को सबसे पहले देखा था, और इसी पूछताछ के आधार पर सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। तो ये सवाल पूछे जाएंगे जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या 13 तारीख को सुशांत का जो बिहेवियर था वो सामान्य था, उन्होंने लास्ट किससे बात की थी, घर में कौन कौन मौजूद था, कितने बजे वो सोने गए थे, किसने सबसे पहले बॉडी देखी थी और किसने बॉडी उतारने के लिए बोला था। मैं आपको बता दूं, नीरज ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी को किसी का फोन आया था और उसके बाद उन्होंने उतारी थी, उन्होंने ऐसे पैरों से पकड़ के रखा था और फिर ऊपर से तोड़ा था क्योंकि उतारना बहुत मुश्किल था इस तरीके से क्योंकि वो बहुत हैवी थे। तो इस तरह का जो बयान है वो नीरज पहले ही दे चुके हैं और अब सीबीआई ने ये कुछ अहम सवाल नीरज से पूछे हैं जिससे ये सामने आया है कि उनको जो है क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या जो है सीबीआई उनसे जानना चाहती थी। इसी आधार पर जो है क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा कि उनकी बॉडी कैसी थी, कैसे थी, किसने तोड़ी, किसने काटी, किस चाकू से काटी, सुबह कितने बजे तुम्हारी बात हुई, एक दिन पहले क्या खाना खाया था, उनका व्यवहार कैसा था, किसके साथ कितना समय बिताते थे, इन सारी चीजों को लेकर सीबीआई ने ये 8 अहम सवाल नीरज से पूछे हैं।